संपूर्ण देश में आज स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस क्रम में जनपद मुरादाबाद में महापौर विनोद अग्रवाल द्वारा नगर निगम प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात नगर आयुक्त संजय चौहान द्वारा सफाई कर्मचारियों को कोरोना काल में उनकी उन्नत सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। आज भारत के 75वें स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त महानगरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अभिनंदन और वंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज देश के उन वीर शहीदों को, स्वतंत्रता के क्रांति वीरों को, इनकलाबियों को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि देता हूँ कि आज जो एक सपना स्वतंत्र भारत का इन क्रांतिवीरों ने देखा, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को फांसी के फंदों को चूम लिया, आज उनका सपना पूरा हो रहा है, भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है बनने के लिए। एक अन्य कार्यक्रम में जनपद के प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के चेयरमैन राकेश अरोड़ा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर बैंक महाप्रबंधक दिनेश पाठक, रीजनल मैनेजर विचित्र कुमार सहित तमाम कर्मचारी उपस्थित रहे। हार्दिक शुभकामनाएं साथियों, 15 अगस्त और 26 जनवरी दो ऐसे हमारे त्यौहार है जिनको हमारा पूरा देश एक साथ मनाता है। इन त्यौहारों के लिए ना कोई जाति ना कोई धर्म कुछ नहीं है, सब लोगों को एक साथ मनाना है, सारे देश को एक साथ मनाना है। साथियों, 15 अगस्त के दिन आप सबको पता है, हमें पता है कि आज ही के दिन हम लोग अंग्रेजों की लंबी दास्तान से आज़ाद हुए थे। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे क्रांतिकारियों ने कितनी यातनाएं सही, कितने कष्ट झेले, कितने कम समय में फांसी तक की सजाएं हुई और हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए, किस लिए कि हम लोग आज़ाद हों, हम लोग आज़ाद हवा में सांस ले सकें। जनपद मुरादाबाद में ही एक अन्य ध्वजारोहण कार्यक्रम में उस समय असहज स्थिति हो गई जब समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय गान गाते गाते भूल गए, फिर किसी तरह आगे पीछे कर राष्ट्रगान को खत्म किया गया। मुरादाबाद से रवि चौधरी के साथ संजीव ठाकुर की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद वासियों से यही अपेक्षा है कि यथाशीघ्र अपना नंबर आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं और हंसी खुशी स्वतंत्रता दिवस मनाएं और देश के विकास में भागीदार बनें। इंजीनियर दिनेश तिवारी, ग्राम नारायणपुर, जिला बस्ती की ओर से समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राजकिशोर सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 307 हरैया विधानसभा बस्ती की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शर्मा हॉस्पिटल की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शर्मा हॉस्पिटल अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, डिलीवरी की विशेष सुविधा उपलब्ध, छावनी बाजार, बस्ती, उत्तर प्रदेश।